Hello boys, today we are going to start your new online class chapter of rational number, lecture number first. Today is the date of 19th May 2020. आपके इसमें 2003 वीडियो आपको मिल चुके हैं. उसके बाद आज आपका नया जो हम बताने जा रहे हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द रियल लाइन. आपके एक्सरसाइज वन बी का ये चैप्टर के पहले जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इन द क्लास 7 आपने पढ़ा था कि कैसे हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम सबसे पहले हम क्या करते थे, एक लाइन ड्रा करते थे, फिर टेक द पॉइंट वो, फिर राइट साइड में हम 1, 2, 3, 4 और लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4. जैसे हमें किसी नंबर्स को, जैसे हमने कह दिया कि बेटा रिप्रेजेंट कीजिए 3 को आपको कहाँ दिखाना है, तो आप क्या करते थे, देयर इज द प्लस साइन. सो हम प्लस की तरफ जाते थे और कहते थे सर बेटा हमारा यहाँ पर 3 है. हम तुरंत दिखा देते थे हमारा जो नंबर लाइन पे 3 आएगा वो यहाँ आएगा. अगर यही -2 की बात करता क्वेश्चन में कि रिप्रेजेंट द नंबर -2 ऑन द नंबर लाइन, सो यू आर रिप्रेजेंट देयर इज -2. सिमिलरली बिल्कुल इसी के जैसे हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर दर्शाते हैं. वो कैसे दर्शाते हैं आइए देखते हैं. जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं आपके एक्सरसाइज का, आपके एक्सरसाइज में सुनते हैं एक्सरसाइज 1B. पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 1/3. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ड्रॉ ए लाइन. आप इसको देखिए कि ये कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. दिस इज द पॉजिटिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर 0 पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है ये जो 1/3 है वो पॉजिटिव की तरफ दर्शाया जाएगा. तो हम यहाँ 0 राइट कर देंगे, यहाँ 1 राइट करेंगे, यहाँ 2 राइट करेंगे. अब आप 1/3 देखिए तो ये 1 से कम है, 1 से कम है यानी ये जो नंबर आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा. 0 और 1 के बीच में आएगा तो हम डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उतने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे. देयर इज 3, तो हम इसको 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3. तो अब हम इसको काउंट करेंगे 1, 2, 3. तो ये आपका हो जाएगा 1/3. यही आपका रिप्रेजेंटेशन नंबर होगा 1/3. ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, वन मोर क्वेश्चन एंड टेक. एक और क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हम लेते हैं 4 × 2/3. क्वेश्चन आर सेज दैट रिप्रेजेंट दिस रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लाइन ड्रा करेंगे. लाइन ड्रा करने के बाद अब यहां देखिए पॉजिटिव है तो आपको जो नंबर दिखाना है वो पॉजिटिव की तरफ दिखाना है. अब यहां पर जो ये 4 नंबर है इसको देखिए, ये 4 है. 4 का मीन्स अब ये जो रेशनल नंबर पड़ेगा वो 4 और 5 के मध्य में पड़ेगा, इन द मिडिल पार्ट. तो आप पहले 1, 2, 3, 4. अब ये रेशनल नंबर 4 और 5 के मध्य पड़ेगा, आप 4 और 5. अब आप क्या करेंगे, यहां पर डिनोमिनेटर क्या है, 3 है. जब यहां डिनोमिनेटर 3 है तो हम 4 और 5 को 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3. अब देयर इज 2/3, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1, 2. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ 4 × 2/3. दिस इज योर आंसर. ओके, हैव एनी प्रॉब्लम? सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? सो सिमिलरली
if you are represent the minus decimal number on the number line, so you are representing this side. Like one more example for you. One more example I am giving. Question number 1 minus 2 into 5 by 6.